एक दिन क्या हुआ, मेरी देवरानी के जो पापा थे वो उनके घर पर आए थे, मेरे हस्बैंड के घर पर आए थे। हम उस टाइम में सेपरेट रह रहे थे, वो हमको वो घर से निकाल दिए थे मेरे सास ने। वो लोग घर पर रह रहे थे, हम अलग रह रहे थे। उसी के दौरान वो कान में झुमका पहनते हैं था, वो झुमका का एक घुंघरू वो उसका निकल गया था, एक वो किधर गुम हो गया था, उसको नहीं मिल रहा था। मेरी सास ने बोली वो एक घुंघरू वो ऑटोमेटिक निकला नहीं है, वो खुद ही निकाल के उसका पापा को दे दिया है। वो उनके घर वाले बहुत गरीब थे, मतलब खाने के लिए उनके पास नहीं है, वो इसलिए उसको दे दिया है उनका। फिर मेरे देवर क्या किया, मेरे पापा के सामने मेरे देवरान को हाथ पैर बांध के उसको इतना मारा, इतना मारा, हाथ से पैर से झाड़ू से उसके हाथ में जो आता था वही में मारता था। वो क्या करता था, वो भगवान को नहीं मानता था, मेरा जो देवर था वो के बाबा का फोटो रखता था, योगा बाबा, उसी को वो पूछता था। वो फोटो दीवार में टंगा हुआ था। मेरी देवरानी रो रो के बोल रही थी मैंने नहीं दिया, वो किधर गुम हो गया, मैं काम कर रही हूँ इधर उधर घूम घूम के, किधर गुम हो गया है मुझे मालूम नहीं। वो एक छोटा सा घुंघरू है, वो कितना पैसा होगा, मैं क्यों दूँ उनको, मैंने नहीं दिया, वो आपकी माँ झूठ बोल रही। लेकिन उस घर का एक असूल है, मतलब माँ जो बोलेगी वही करना पड़ेगा, आप सही हो गलत हो कोई देखने वाला नहीं है उधर, माँ जो किया है जो कहा है वही फॉलो करना है, तभी जाके मालूम पड़ेगा आप कितना अज्ञानी हैं, माँ को कितना भक्ति करते हैं, तो वही प्रूफ देना पड़ेगा। बीवी को मार के, बीवी को खामोश करके, बीवी को बेइज्जत करके, वो ऐसे ही मानने लगे। वो रो रो के बेहाल हो गए। फिर क्या बोला, वो जाके कोई भगवान को, वो फोटो था ना जिसको भगवान मानता था, वो उधर नीचे गिर गिर के बोला अगर तुम भगवान हो, अगर सही का फैसला करते हो, आज दिखा दो कौन सही है कहीं कौन गलत है, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, मार दो मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, ऐसे बोला। उसका पति गुस्से से दौड़ के आ गया, जोर से चिल्ला के, इतना जोर से चिल्लाया उसके मुंह से ब्लड आ गया, मतलब एक बार आ गया ऐसे हाथ में देखा तो ब्लड आ रहे, कंटिन्यू उसको ब्लड ज़्यादा ज़्यादा आ रहा था। वही मारना उसको लास्ट था, उससे पहले वो डेली मारता था। उसके बाद उसका माँ बोली कि नहीं तुमको, वो बोली माँ मुझे उसका श्राप लग गया, शायद वो सही था मैं गलत था इसलिए मुझे श्राप लग गया उसका। मेरी सास बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको बीमार लग गया है, तुमको टीबी हो गया है, तुम मेडिसिन खा लो ठीक हो जाओगी, किसी को दिखाया नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मिलता है ना फ्री का मेडिसिन, वो ला के मेरे सास ने उसको दे दिया देवर को। वो खाने के बाद, उसको टीबी तो था नहीं, वो खाने की वजह से उसका जो खाना जाते हैं ना जो खाद्य नली, वो नली क्या हुआ मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद तो उसको पानी पीना भी मुश्किल हो गया, उसको दिन ब दिन उसको पेन ज़्यादा ज़्यादा हो रहा था। वो दिखा रहे थे डॉक्टर को, यही बोल रहे थे कि उसको टीबी करने, वो टेस्ट किया उसको टीबी नहीं था, डॉक्टर ने गाली दिया किसने बोला तुमको टीबी का मेडिसिन खाने के लिए, वो मेडिसिन का असर के वजह से उसका जो नली है वो मेल्ट हो चुका है, अब खाना पानी उधर से नहीं जाएगा तो जिंदा कैसे बचेगा। वो पहले से उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको माँ के पेट से हार्ट का प्रॉब्लम था, डॉक्टर क्लीन चिट उसको दे चुके थे कि वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको शादी वादी नहीं करना, वो कभी भी उसका मौत हो सकता है, ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने मना कर दिया, उसके अंदर कुछ नहीं है, हार्ट में कुछ भी नहीं है, वो जिंदा रहने का चांस ही नहीं है। फिर भी मेरे हस्बैंड का घर वाले उसका शादी चिपके से करवा ली, क्योंकि उनको नौकरानी चाहिए था। फिर क्या हुआ, उसका एक बच्चा हुआ, होने के बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, और वो उस दिन मार आता उस दिन उसका लास्ट था। उधर से ऐसे करके वो बिस्तर पकड़ लिया, बिस्तर पकड़ने के बाद वो क्या हुआ, वो वैसे 5-7 दिन गया, 10 दिन के अंदर उसने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल जब गया वो उसका बीवी बच्चे को वो देखने के लिए वो चाह रहा था, लेकिन मेरे सास, मेरी ननद, मेरी ननद का पति, सब लोग ऐसे आराम से चले गए, होटल में खाना खाना है, गाड़ी में घूमना है, ऐसे करके लगे, लेकिन उसका बीवी बच्चा को साथ में लेके नहीं गए। वो ऐसे रो रही थी, मतलब गुस्से में वो ऐसे बोल दिया, वो कितना भी मारे कुछ भी करे, लेकिन है तो था उसका पति, वो बहुत रोने के, वो जाने के लिए मतलब रो रही थी, उसको कोई लेके नहीं गया, बहुत दूर में 100 किलोमीटर की दूरी पर उसका पति का मौत हो गया।
ऐसे भर के मतलब कहते हैं ना, अगर आपको बेवजह किसी को रुलाओगे ना, उसके आँखों का आंसू का जो असर होगा ना, तो सब कुछ तहस नहस कर देगा।